मेल लग रहा है मेरे को। अरे कुछ भी जमेल नहीं यार, तुम स्पॉन पॉइंट सेट नहीं करोगे क्या? फिर सीधा अगर कहीं पे मर गए तो फिर स्पॉन पे जाओगे ना सीधा? कर दिया मैंने वैसे, ये लो बट ये कुछ आयरन का जमे मेरे पास, मैं 2 आर्मर है, तुम एक जमेल शील्ड लग रहा ले है। लो, ये ओके, 10 प्लेट और ये 21 डायमंड और हो गए डायमंड, सर। डायमंड भी फ्री में? सर कुछ भी फ्री में नहीं होता इंडिया में। तो इसके बदले क्या 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 क्या? हेलो हेलो हेलो, नहीं क्या क्या कर रहे हो? तो आज मैं भाई माइनक्राफ्ट की एक सोल नाइट एसएमपी में जाता हूँ, एंड बेसिकली भाई ये एक लाइफस्टाइल एसएमपी पे बेस्ड है। मतलब भाई इसमें अपन चोरी भी कर सकते हैं हार्ट की वो भी, एंड इस एसएमपी को भाई अपन 3 प्लेयर मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं, नोट एवी, जागिट गेमर और मैं। एंड भाई साहब इसमें मैं बहुत ज्यादा नूब हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट आया हूँ इस एसएमपी में। एंड ये दोनों भाई देख सकते हो, नेदरराइट का आर्मर और डायमंड का आर्मर इनके पास ऑलरेडी हो चुका है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें भाई लाइफ स्टील एसएमपी के प्लगइन्स है, तो भाई मेरे हार्ट चोरी हो सकते हैं और मैं भी चुराऊंगा भाई। तो लेकिन उसके लिए भाई अभी 5 मिनट अपने पास है, 5 मिनट तक भाई कोई भी नहीं लड़ने वाला है, एंड उसके बाद भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत कुछ होगा इस एसएमपी में। हेलो हेलो, मेरे को आर्मर चाहिए यार, मेरे को आ जाओ आर्मर। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई मेरे साथ आ जाओ, अब्दुल भाई मेरे चलो साथ आ चलो जाओ, टीमिंग चलो, करा सकते, ठीक है ठीक, आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। मेरे को आर्मर चाहिए डायमंड का, है आपके पास? हाँ हाँ डायमंड, हाँ हाँ है, आ जाओ ओ भाई आराम से आराम से। तो यहाँ पर भाई मैं जांगीट के साथ टीम अप तो कर लेता हूँ, लेकिन भाई ये लाइफ स्टील एसएमपी किसी पर भी भाई भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था भाई भरोसा करने के अलावा, क्योंकि भाई मेरे को डायमंड का आर्मर जो मिल रहा था फ्री में। लेकिन फिर भी भाई मैं बहुत ज्यादा सावधानी से जाने वाला हूँ, आपस में किसी को नहीं मारेंगे अपन दोनों। यस सर आ जाओ आराम से ना, इधर गए आ रहा हूँ चलो चलो। ओके ओके, कुछ देने वाले थे आप मेरे को आर्मर। ओ हाँ हाँ देखूंगा देखूंगा, आ जाओ नीचे आ जाओ। वैसे अंदर और कुछ तो नहीं है ना, ट्रैप वगैरह? नहीं नहीं सर कुछ भी ट्रैप। ओके हो नाइस, अरे स्पॉन पॉइंट सेट कर लो इधर। हाँ कुछ जमेल लग रहा है मेरे को। अरे कुछ भी जमेल नहीं यार, तुम स्पॉन पॉइंट सेट नहीं करोगे क्या? फिर सीधा अगर कहीं पे मर गए तो फिर स्पॉन पे जाओगे ना सीधा? कर दिया मैंने वैसे, ये लो बट ये कुछ आयरन जमेल का मेरे पास, मैं 2 आर्मर है, ये तुम एक जमेल शील्ड लग रहा ले है। लो और ये 21 डायमंड ओ हो गए सर। डायमंड भी फ्री में? सर कुछ भी फ्री में नहीं होता इंडिया में। तो इसके बदले क्या 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 क्या? हेलो हेलो हेलो, नहीं क्या क्या कर, रुक कर, ये क्या बात हुई? व्हाट द, ओ मैं फोन वापस से यहीं पे हो गया। फिर मेरा सामान, मेरा सामान, ऊपर 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 ऊपर, भागना पड़ेगा मेरे को, भागना पड़ेगा, भागो 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 भाग 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 भाई मेरे हार्ट सर कम हो रहे। कभी सर भागो कभी भागो, लाइफ स्टाइल भी मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करते सर, क्यों सर क्यों? गलती 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 गलती, भागो 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 भागो, रुको रुको अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। सर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा सर। अरे सर नीचे, सर नीचे मैं मार दूंगा सर, क्यों मतलब सर आते ही बैन हो जाओगे सर, नीचे आ जाओ अफजल भाई, नीचे आ जाओ। ओके 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 तुम ओके ओके, मतलब बैन हो जाओगे। तो यहाँ पर जांगीर मेरे साथ वही करता है जो कि मेरे को लग ही रहा था भाई वो मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत करने वाला है। एंड उसके बाद भाई ये मेरे पूरे 4 हट चुरा लेता है, एंड इस बेइज्जती का बदला भाई मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। एंड उसके बाद ये मेरे को नीचे वापस से बुलाता है, लेकिन मेरे को जाना पड़ता है क्योंकि भाई क्या पता वो वापस से मेरे को मार दे। एंड अभी देखते हैं वो क्या करने वाला है। मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, हाँ बोलो ठीक है? पीछे रहो तुम पहले, मुझे पहले एक पीछे हार्ट, रहो, पीछे रहो पहले, हाँ पीछे पीछे पीछे, तुम मुझे एक हार्ट और दे दो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एक हार्ट और? हाँ तुम जाओ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम इच्छा अफजल भाई क्या डील है, एक हार्ट या बैन? मैं आपको एक हार्ट देने के लिए तैयार हूँ, बट वो उसके लिए आप थोड़ा पीछे जाओ, पहले पीछे जाओ, पीछे जाओ, मैं आपको एक भी हार्ट देने वाला। अरे बैन हिम्मत क्यों है, तोड़ रहा, हिम्मत है तो लेके दिखाओ, ले लो, ले सकते हो बैन तो, क्यों तोड़, आप ले सकते हो तो ले लो एक हार्ट। एक ही ऑफ तो मैं तुम्हें बैन ही करेगा सीधा, ये लाइफ स्टील एसएमपी है। अरे अरे मेरे पीछे भाई, दो दो पीछे पड़ गए मेरे यार। ओ जी शिट, जी बाय बाय, पीस आउट। अब तो ये भाई मैं तुम्हें बैन करके रहूंगा अफजल भाई, मेरा चैलेंज है तुम्हें ये। अच्छा चलो देखते हैं,
चलो देखते हैं कौन किसको बैन करता है। अब अगला टारगेट मेरा ये भी है। यहाँ पर भाई मैं जैसे तैसे जांगीट से बचकर तो भाग जाता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा कम हार्ट्स बचते हैं। उसके बाद भाई जांगीट कहता है कि वो एवी को भी मारने वाला है, तो मेरे पास बस एक ही रास्ता बचता है। देखो क्या, हेलो हेलो एवी, मेरे को तुम्हें एक बात बतानी है। तुम कहाँ पे हो अभी, मेरे को एक बात बतानी है तुम्हें। स्पॉन रुको मैं आता हूँ अभी, मैं भी विलेज में ही हूँ, तुम दिख नहीं रहे विलेज में। हाँ दिख गए। सुनो मैं तुमसे मीटअप करना चाहता हूँ, और उसके बदले मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, क्योंकि जांगीर ने मेरे को मारा और मेरे 3 हट उसने चुरा लिया, और अब भाई वो कह रहा है कि वो तुम्हारे भी हट चुराने वाला है, और वो इस SMP का सबसे ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। तो मैं चाहता हूँ अपन दोनों मिलकर टीम अप करके भाई उसको हराएं, तो उसके लिए मेरे को तुम्हारी मतलब ज़रूरत पड़ने वाली है, तो क्या आप तुम मेरी हेल्प करोगे? यस और नो? श्योर, ओके। तो आप मेरे को डायमंड का आर्मर दे दो, क्योंकि सबसे गरीब आदमी मैं हूं इस SMP का। भिखारी साला। और कुछ हो तो वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। ओके धन्यवाद, अपन दोनों मिलके अभी भाई जांगीट को हरा सकते हैं इजीली, लेकिन उसके लिए अभी मेरे को थोड़ा और ग्राइंड करना पड़ेगा, इसको मेरे को नेदरराइट में बदलना पड़ेगा। ओके भी अभी तुम जाओ जांगीट का बेस पता करो, और उसका बेस मतलब एक विलेज में ही है, दूसरे विलेज में, इस विलेज में नहीं है, एक विलेजर के घर में नीचे है। तो मैं जाता हूं जब तक थोड़ा ग्राइंड करने के लिए, थोड़ा माइनिंग करने के लिए, एंड उससे पहले मैं भाई एक हॉर्स को पार लेता हूं या किसी काऊ वगैरह को। तुम जाओ अपना काम करो और मैं जब तक माइनिंग करने जाता हूँ। तो यहाँ पर एवी तो भाई बिना किसी दिक्कत के मान जाता है, भाई वो इतना ज्यादा प्रो प्लेयर है, मेरे को लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी वो मान जाएगा, बट वो मान जाता है टीम अप के लिए। एंड उसके बाद मैं सोचता हूँ मैं थोड़ा और ग्राइंड करूँ और एक घोड़ा वगैरह पाल लूँ भाई, जिससे भाई नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा मजे करने वाले। तो देखो आगे, तो अभी फिलहाल रात हो चुकी है, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ पे एक टॉर्च भी लगा देता हूँ, एंड फिर मैं चला जाता हूँ अपने सस्ते से घर में, जिसको बनाते हुए मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि समझ लो भाई इतना सस्ता घर है। तो अभी शायद मेरे को नेदर में ही जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ गाइस थोड़ी माइनिंग वगैरह करके। तो नेदर से तो मैं आ चुका हूँ सेफली, लेकिन मेरे को वहाँ पे कोई भी काम का सामान नहीं मिला, ना ही मेरे को नेदराइट मिला। मैं गया था भाई नेदराइट ढूंढने, बट मेरे को नेदराइट नहीं मिलता है, तो मैं बाद में ढूंढूंगा। और मैं यहाँ पर घर पे आके देखता हूँ, ये क्या सीन है भाई, मेरा घर कहाँ गया भाई, जिसके साथ मैंने बहुत ज्यादा सपने देखे थे, और लाल फूल भी डाला है भाई जिसने मारा है, किसने क्या हो सकता है भाई ये आपके हिसाब से? इस बेस का भाई सिर्फ मेरे टीममेट एवी को पता है, लेकिन भाई उस पर शक नहीं कर सकता मैं। और जांगीट क्या पता भाई एवी नहीं मारो, क्या पता भाई जांगीट या कोई और तीसरा प्लेयर, क्या लगता है कमेंट करके बताओ।